आर सैमसंग स्मार्टफोन्स रियली वर्थ द हाइप। दोस्तों, इस वीडियो में हम फाइंड आउट करने वाले हैं कि आपको सैमसंग के स्मार्टफोन्स क्यों नहीं खरीदने चाहिए। दोस्तों, हम इस एडवाइस के पीछे के रीजंस को डिस्कस करेंगे और अल्टरनेटिव ऑप्शंस के बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, सैमसंग के स्मार्टफोन्स खरीदने से पहले आपको एक बार जरूर सोचना चाहिए। ट्रस्ट मी, आपको नेक्स्ट स्मार्टफोन खरीदने से पहले इस वीडियो को देखना चाहिए। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपको सैमसंग का कोई भी स्मार्टफोन नहीं खरीदना है। दोस्तों, आपको सैमसंग के बजट स्मार्टफोन्स को अवॉइड करना है। दोस्तों, स्पेशली सैमसंग के जो अंडर 20,000 में देखने को मिलते हैं, उन स्मार्टफोन्स को आपको नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि वो अपने प्राइस को वर्थ नहीं करते हैं। क्योंकि दोस्तों, अंडर 20,000 में मिलने वाले जितने भी सैमसंग के स्मार्टफोन्स हैं, जैसे सैमसंग गैलेक्सी A14 और सैमसंग गैलेक्सी M14 और भी सैमसंग के बहुत सारे स्मार्टफोन्स हैं जो अंडर 20,000 में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर हम कंपेयर करें सैमसंग के बजट स्मार्टफोन्स को अदर ब्रांड के स्मार्टफोन्स से जो अंडर 20,000 में देखने को मिलते हैं, तो वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होते हैं। क्योंकि दोस्तों, अदर ब्रांड के स्मार्टफोन्स में आपको अकॉर्डिंग टू प्राइस ओवरऑल परफॉर्मेंस बेटर देखने को मिलती है। और सैमसंग में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है वाटर ड्रॉप नॉच। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग के बजट स्मार्टफोन्स में अभी तक वाटर ड्रॉप नॉच आती है, जो पर्सनली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो पूरे फ़ोन की डिस्प्ले के लुक को बेकार कर देती है। और दोस्तों, सैमसंग की एक और ख़ास बात है कि सैमसंग अपने एक्सपेंसिव स्मार्टफोन्स पर ज़्यादा फोकस करता है और एक्सपेंसिव स्मार्टफोन्स को ज़्यादा पावरफुल बनाता है अपने बजट स्मार्टफोन से। सैमसंग के बजट स्मार्टफोन्स प्राइस के अकॉर्डिंग ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी नहीं होते हैं। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि आपको सैमसंग के बजट स्मार्टफोन्स को नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि सैमसंग के बजट स्मार्टफोन्स अपनी प्राइस को वर्थ नहीं करते हैं। इससे अच्छा आप किसी अदर ब्रांड के बजट स्मार्टफोन्स को खरीद सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा कि आपको सैमसंग के बजट स्मार्टफोन्स को क्यों नहीं खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएं।